गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दिव्य गार्डनिंग चैनल में। आज मैं आपको नवरंग के बारे में बताऊंगा। ये फूल बहुत ही सुंदर आता है और ये लगभग मार्च अप्रैल मई तक रहता है, बल्कि जुलाई जून तक भी रहता है अगर आप पानी देते रहते हैं इसको। और ये पौधा जो है जब डहेलिया जब ख़त्म होने लगता है तब से ये चालू हो जाता है फूल देना और बाद तक गर्मियों तक देता रहता है। आप इसे लगा सकते हैं, आप इसे दिसंबर जनवरी में लगा सकते हैं इसको। लेकिन क्योंकि ये देखिए ये पेड़ बहुत बड़े हो गए हैं, तो अगर आप पहले ही बो देते हैं अगर इनको गुलदाउदी के साथ ही, तब भी ये फ्लावरिंग करना शुरू कर देंगे और ये फ्लावरिंग करते ही रहते हैं। क्योंकि इसका यूज़ गर्मियों में सिर्फ यही इसी का ही फूल माला मंदिरों में चढ़ाने के लिए किया जाता है। ये फूल बहुत ही सुंदर लगता है और ये कई कलरों में आता है। इसको पानी की ज़रूरत होती है, मई जून में ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। और जब ये पेड़ सूख जाता है तो आप इसके बीज कलेक्ट करके रख सकते हैं और बीज इसके बो सकते हैं। इसके बीज छोटे छोटे और कांटेदार होते हैं, इसको ज़्यादा खाद की भी ज़रूरत नहीं होती है। और अगर आपको खाद का यूज़ करना है तो आप गोबर की खाद मिला करके यूज़ कर सकते हैं इसको। ये देखिए इसकी कितनी अच्छी अच्छी वैराइटीज़ हैं, तो आप भी इन्हें लगा सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।